हेलो mm फ्रेंड्स -hmm. मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर आवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हम आज बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड का नाम है रैपो होम फाइनेंस लिमिटेड बहुत नीचे से मैं आपको सोच रहा था वीडियो बनाऊं बट नहीं बना पाया जस्ट बिकॉज बट कोई इशू नहीं है अभी भी ये स्टॉक्स में इतना कैलिबर है कि ये यहाँ से लगभग फोर एक्स यहाँ पर रिटर्न आपको दे सकता है 4X, 4X का मतलब क्या होता है लगभग चार की आप गुना कर देंगे तो लगभग आठ सौ प्लस के रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आ सकता है फिफ्टी टू वी खाई की बात कर रहे हो तीन सौ पचास का था स्मॉल कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी में याद रखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि इस तरीके के चार्ट पैटर्न रहते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे है ना कभी भी जब अगर भागा तो मल्टीप्लायर का रिटर्न तुरंत और जब गिरा तो अगेन यहाँ पर उसी तरीके से गिरता हुआ नजर आ सकता है तो इस चीज को माइंड को में क्लियर रखना है पी पांच का पीई है इंडस्ट्री 24 का पीई है और यहाँ पर प्राइसिंग किसी तरीके की कोई प्राइसिंग नहीं है डेट हम देखेंगे नहीं क्योंकि कंपनी का काम ही डाटा है जैसे कि यहाँ पर होम फाइनेंस है फाइनेंस मतलब डेट ही देना एक तरीके से और यहाँ पर देखा जाए प्रॉफिट ये सब चीज अगर ना देखे तो ठीक ही रहेगा नेगेटिव ही इफेक्ट बुक वैल्यू तीन सौ सत्तावन रुपए की है तो यहाँ पर बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है तो बुक वैल्यू के आसपास भी अगर आ जाता है ये तो याद रखिये कितने पैसे आपके बन रहे हैं लगभग लगभग फिफ्टी परसेंट से ज्यादा के पैसे तो आपके मोर देन फिफ्टी परसेंट के ज्यादा के पैसे आपके यहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट बनता हुआ साफ नजर आता है तो ये तो एक बात हो गई कंपनी करती क्या है कंपनी यहाँ पर देखेंगे ये हाउस हाउसिंग फाइनेंस है तो मतलब बात है ये जितने भी आपके होम बनते हैं उसके ऊपर लोन मिलता है वो ही एक कंपनी करती हुई दिखाई देती है तो ये यहाँ पर कौन कौन सा बिजनेस सेगमेंट है इंडिविजुअल होम लोन्स ये देते हुए दिखाई देते हैं जैसे किसी की जॉब है ओके उस पर यहाँ पर इन्होंने किसी को घर लेना है तो लोन दे दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें से ये मोस्टली कहाँ पर ये अपना फोकस रखते हैं ये फोकस रखते हैं अपना विलेजेस में और अर्बन एरिया में यहाँ पर देखेंगे होम लाइक ड्रीम होम लोन प्लॉट लोन मतलब प्लॉट पे भी लोन देते हैं सुपर लोन देते हैं आपको विलेजेस प्रिविलेज और होम मेकर लोन भी ये देते हुए दिखाई देते हैं कि आप भी आपको प्लॉट ले, प्लॉट लेना है तो, तो दे दिया उस प्लॉट पर घर बनाना है तो भी आपको दे दिया लोन तो हर तरीके के लोन ये देते हुए दिखाई देते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं कि आप प्रॉपर्टी कोई मॉर्गेज दे दीजिए एज वेल एज लोन जो लेना आप ले लीजिए कमर्शियल रियल एस्टेट और होराइजन ये सब तरीके प्लान देते हैं टारगेट मार्केट की अगर बात करें टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज एंड एं, हैज 49 ऑफ इट्स पोर्टफोलियो टू द सैलरी सैलरी सेगमेंट मतलब पर जो जो में काम करते हैं तो जो है, उन्हीं को ये टारगेट करते हुए दिखाई देता है द द रेस्ट सेल्फ एम्प्लॉय सेगमेंट जैसे कि आप किसी का बिजनेस है उन्हें यहाँ पर दिखाई देता हुआ दिखाई देता है एवरेज लोन पर यूनिट ऑफ फिफ्टीन लैक्स यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं फुटप्रिंट की बात करें तो बारह स्टेट और यहाँ पर वन यूनियन टेरिटरी में ये कंपनी ऑलरेडी uh, यहाँ पर है एज वेल एज एक सौ पचपन ब्रांच है बाईस सैटेलाइट सेंटर है दो एसेट रिकवरी ब्रांचेस भी है इनकी लोन बुक की बात करे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाइन करोड़ रुपीज का लोन बुक भी है ओके okay, ये पुराना दे रखा है बट कोई नहीं है एनपीए वगैरह हम यहाँ पर न्यू लेटेस्ट देखेंगे तो आपको सब पता चलता हुआ दिखाई देगा शेयर की बात करें तो शेयर देखिए अभी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था लगभग थ्री सेवेंटी वन पे आसपास और उसके बाद लगातार गिरा था और गिरने के बाद वन थर्टी सिक्स पे आ गया था लगभग

एनपीएस भी देखेंगे तो कंपनी के एनपीएस क्वार्टरली बेसिस थोड़े से कम हुए बेसिस थोड़े से बढ़ते हुए आ, नजर आए और यहाँ पर नेट uh, एनपीएस भी देखेंगे वो भी यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कम हुए बट ईयरली बेसिस पे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दिए तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसके एनपीएस थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन है फाइनेंशियल मार्जिन ट्वेंटी एट परसेंट का है जो कि से दुगना है ओके okay, मतलब ज्यादा है एज एज वेल पर ईयरली बेसिस पर पर भी देखेंगे 14 से है तो अगली क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर कम आते हुए दिखाई दे सकते हैं और अच्छे भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं बट उसके बाद रिजल्ट अच्छे आने ही है इस कंपनी को और जितने भी फाइनेंस की कंपनी है जितनी भी आ, अलग अलग कंपनीज है उनके रिजल्ट अच्छे ही आने हैं तो इस चीज पे थोड़ा सा विश्वास करके आपको चलना होगा इसके अलावा ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखे तो यहाँ पर चीजें समझ में आती है जैसे कि मैंने यहाँ पर काफी वीडियोस बनाई है और मैंने आपको बताया कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लेता रहता हूँ बार बार यहाँ पर देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं ये शेयर को कैसे चुनते हैं ये शेयर को चुनने के पीछे का ही रीजन है कि कंपनी की ग्रोथ और ग्रोथ देख के जब शेयर यहाँ पर नीचे आ जाए बिल्कुल ही तब यहाँ पर हाथ मार लेना उस टाइम हाथ मार लेते हैं पांच से दस गुना पैसा होता है चुपचाप निकलते और अपना दो सौ दो हजार करोड़ तीन हजार करोड़ का यहाँ पर एम्पायर एम्पायर पूरा खड़ा कर रखा है कंपनी के यहाँ पर देखिए लगातार अच्छे खासे रिजल्ट है कंपनी अभी भी बात करें तेईस परसेंट के मार्जिन पे पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है हालांकि मार्जिन अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से यहाँ पर कम आता हुआ दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी का एटलीस्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो कभी घाटे में नहीं है तो ये चीज हमें बताती है कि कंपनी शायद हो सकता है कि 50 परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट जैसे अभी गिरी थी उस तरीके से गिर जाए बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं जाने वाली और जब ये रिकवरी करेगी जैसे एक एक क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे आगे जैसे ही रिकवरी करेगी तो याद रखिए अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे एट दैट मोमेंट तो ये एक पॉजिटिव वाली बात है जो मौका अभी था यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेयर लगातार गिरा था दो तो में तो में यहाँ पर देखेंगे एक सौ पे आ गया था लगभग शेयर गिर गया था मैक्सिमम भी देखेंगे तो आठ पे हाई लगाया था इसमें मोर 900 लगा लीजिए और ये शेयर कितने पे आ गया था 13600 रुपए पे तो लगभग कितना गिर गया था वो आप देख सकते हैं अब देखिए 2017 18 में यहाँ पर शेयर की प्राइस 17 में हाईएस्ट आई वर्ड आप देखेंगे 17 का रिजल्ट तो 17 का रिजल्ट देखिए सेल्स देखिए कंपनी की सेल्स अभी भी ज्यादा है ओके 2022 में लगा लीजिए कभी भी लगा लीजिए एज वेल एज कंपनी का नेट प्रॉफिट लगा लीजिए एक करोड़ से 194 और 235 करोड़ के आसपास है ये भी ज्यादा है कंपनी का मार्जिन बस मार्जिन में फर्क है और जैसी मार्जिन अच्छा होता हुआ नजर आएगा तो याद रखिए कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट डिलीवर करती हुई दिखाई देगी वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ रिजर्व कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं बॉरिंग कंपनी के साथ साथ बढ़ रही है ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कैश की बात करें कंपनी की कैश छह करोड़ रुपए के आसपास का है एज वेल एज प्रोमोटर्स का 37.13 परसेंट की एज इट इज

बढ़ता हुआ ना और यहाँ पर सेल्स कम होने के पीछे का रीजन क्या है यहाँ पर आप देखो दिख रहा है सेल्स कम होने के पीछे का रीजन ये है कि कंपनी ने जो बॉरिंग जो पहले दे दी थी लगातार यहाँ पर बॉरिंग बढ़ रही थी पांच हजार से दस हजार करोड़ ओके वो यहाँ से अभी जब यहाँ पर एनपीएस वगैरह और लोगों की जॉब जा रही थी ये सब प्रॉब्लम हो रही थी तो इन्होंने लोन देना थोड़ा सा कम कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग सात सौ आठ करोड़ का लोन इन्होंने कम दिया है तो इस वजह से यहाँ पर इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार ये लोन दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा ओके यहाँ पर बोरिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर सेल्स बढ़ जाएगी सेल्स बढ़ जाएगी यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्रॉफिट तो अभी भी हाईस्ट आई ही है और मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा तो ये सारी चीजें यहाँ पर सोचनी होगी अब बात करते हैं चार्ट की तो चार्ट लगातार देखिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वन थर्टी नाइन से शेयर अच्छा खासा भागा है और आ, कितने परसेंट दे दिया है वो भी देख लेते हैं तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग सेवेंटी सेवेंटी एटी परसेंट के रिटर्न ऑलरेडी ये यह शेयर यहाँ पर दे चुका है तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करते इसे छोड़ देते हैं हम बात करेंगे अब आगे की तो देखिए कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है नीचे की बात करें लगातार गिर रहा था तो यहाँ पर इसने लोअर लोज लगाया और नीचे आया अब हायर हाईज लगाता हुआ शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा पहला टारगेट ये था मेरा तो वो तो इसने अचीव कर लिया अब दूसरा टारगेट क्या है दूसरा टारगेट या तो यहाँ पर 245 पे रुकेगा या फिर सीधे 277 पे यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा और इसके बाद और ये नहीं है कि यहाँ पर से लगातार शेयर भागता रहेगा अब देखिए इसने रेजिस्टेंस मैंने अभी एक दो वीडियो बनाई है इसमें मैंने चीजें आपको यही समझाई है कि एक किस तरीके से आपको काम करना है एस बी आई कार्ड की तरह तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच किया टच करने का हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए थोड़ा सा नीचे आएगा अपॉर्चुनिटी रहेगी और फिर दोबारा जब भागेगा फिर एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा तो इसी तरीके से काम करना है और ये चार सौ इकतीस तक तो मुझे दोबारा जाता हुआ दिखाई देता है बट मेरा यहाँ पर टारगेट चार सौ इकतीस का नहीं है मेरा टारगेट तो यहाँ पर इसे यहाँ तक लाने का है क्यों क्योंकि शेयर में दम है और शेयर में जब दम होता है ना तभी यहाँ पर शेयर भागते हैं स्टिच पे याद रखिए क्यों क्योंकि और ये टारगेट ज्यादा है मुझे नहीं लगता कि की तीन से चार साल से ज्यादा लेगा तीन से चार साल के अंदर अंदर ये टारगेट आते हुए दिखाई देंगे क्योंकि कंपनी परफॉर्म कर रही है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बाइंग सेलिंग की को कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइन शेयर वाइजा खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक करे कमेंट करे शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर लीजिए शायद यही एक वीडियो हो जो आपकी यहाँ पर किस्मत बदल दे एज वेल एज यहाँ पर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने तो बेल आइकन को एड कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियोस मिल सके और जब वीडियो मिलेगी सीखेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस